Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and by this video we will know about how to download our certificates from DigiLocker in a easy way. मतलब अपने certificates को DigiLocker से download करने का आसान तरीका जो है उसको हम लोग जानने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. DigiLocker से अपना certificate download करने के लिए पहले हमारे पास एक या तो हमारा आधार कार्ड हो, आधार कार्ड नहीं भी है तो हमारे पास आधार नंबर होना चाहिए, और इसके अलावा वो जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड पर मेंशन्ड है, ठीक, वो वाला मोबाइल नंबर हमारे पास वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए, चलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए पड़ने वाली है. तो ये दोनों चीज़ें आपके पास सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से पहले होनी चाहिए. तो DigiLocker से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए जो पहला स्टेप हमें फॉलो करना है वो है DigiLocker की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर हमें जाना है. ठीक, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है DigiLocker.gov.in. इस वेबसाइट पर हमें जाना है. जब हम इस वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आएगा. इस पेज में ऊपर की साइड एक ग्रीन कलर का आप बटन देख सकते हैं, साइन इन. इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है. इसका मतलब यह है कि हम अपने उस DigiLocker के अकाउंट को साइन इन करने वाले हैं जहां पर वो सर्टिफिकेट आया हुआ है. ठीक, तो चलिए अब इस पर क्लिक कर देते हैं. तो आपके सामने अगली विंडो कुछ इस तरह की खुल करके आएगी. जहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है. यहां पर ये आधार लिखा हुआ है और उसके सामने एक बॉक्स है. तो इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और नीचे वाले वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है. जब आप इस वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, SMS के थ्रू एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, एक OTP आएगा. ठीक, ये OTP सिस्टम जनरेटेड है और आपको यहाँ पर फिल कर देना है जहाँ पर आपने आधार नंबर फिल किया था. उसके नीचे वाले बॉक्स में एंटर OTP भी लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको ये अपना OTP जो है इसको फिल कर देना है और फिर से वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है. इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल करके आएगी जहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में आपका आधार कार्ड वाला फोटो और आपका नाम होगा. इसका मतलब यह है कि ये वो आपका DigiLocker अकाउंट है जिसमें वो सर्टिफिकेट आया हुआ है, जिसको हमने साइन इन कर लिया है. इसके बाद अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो सबसे ऊपर की साइड डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इस डैशबोर्ड के जस्ट नीचे एक इशू डॉक्यूमेंट्स करके ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है. इशू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद अगली विंडो आपके सामने कुछ इस तरह की खुल करके आएगी जिसमें आपके DigiLocker में आए हुए जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स आए हुए हैं उनकी एक लिस्ट यहां पर शो होगी आपके सामने. तो अगर इनमें से ही कोई सर्टिफिकेट आपको चाहिए था तो उसको आप PDF फॉर्म में यहां से डाउनलोड कर सकते हो. तो अगर वो सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है, उस केस में आपको यहाँ ये जो PDF वाली कॉलम है इसमें सबसे नीचे की साइड लिखा हुआ है गेट मोर नाउ. ठीक, ये जो बटन है जिस पर गेट मोर नाउ लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है. इस पर क्लिक करने के बाद अगली विंडो आपके सामने कुछ इस तरह की खुलेगी. यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पोर्टल हैं जो अपने सर्टिफिकेट्स DigiLocker के थ्रू इशू करते हैं. तो यहाँ पर अब हमें उस पोर्टल पर जाना है जिससे रिलेटेड सर्टिफिकेट हमें डाउनलोड करना है. तो अगर हमें CBSE से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट अपने डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर CBSE के पोर्टल पर जाना होगा, जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया हुआ है. हमने एरो से भी डिनोट किया है. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पोर्टल पर हम लोग क्लिक कर देते हैं. इस पर क्लिक करने के बाद अगली विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह की खुल करके आएगी जहाँ पर CBSE द्वारा इशू किए जाने वाले, मतलब CBSE जो अपने सर्टिफिकेट्स DigiLocker पर इशू करता है, उन सभी सर्टिफिकेट्स के नाम हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे. अब इनमें से वो सर्टिफिकेट जो आपको डाउनलोड करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे
CTET का सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड करना है, तो मैं CTET के सर्टिफिकेट पर जाकर क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद अगली विंडो कुछ इस तरह की खुलकर सामने आएगी, जहाँ पर कुछ डिटेल्स होंगी। सबसे पहले पार्टनर नेम और डॉक्यूमेंट टाइप, ये तो पहले से ही फिल्ड होंगे क्योंकि इसको मैं पहले ही सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद आता है नेम, मतलब कैंडिडेट का नाम, वो भी पहले से ही ऑलरेडी फिल्ड होगा जिससे हमने लॉगिन किया है। उसके बाद अगली एंट्री आती है रोल नंबर की, तो इसमें आपको वो रोल नंबर फिल करना है जिस रोल नंबर का सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है। तो ये रोल नंबर फिल करने के बाद आता है ईयर, ईयर भी पहले से ही फिल होगा, नहीं है तो आपको फिल कर देना है। इसके बाद आता है मंथ, तो यहाँ पर आपको वो मंथ मेंशन करना है जिस मंथ में आपका वो एग्ज़ाम हुआ है। इतनी एंट्रीज फिल करने के बाद एक डिक्लेरेशन आता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उस पर क्लिक कर देना है, जो एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर बना होगा। इस डिक्लेरेशन के बाद जो इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है गेट डॉक्यूमेंट करके, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट जो आपको डाउनलोड करना था वो आपकी डिवाइस के डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।